नमस्कार, बोल के अब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। एक ऐसे दौर में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी मंच पर खड़े होकर शमशान और कब्रिस्तान की बात करें, एक ऐसे दौर में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये कहें कि ये चुनाव 80% बनाम 20% यानी हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, एक ऐसे दौर में जब देश के गृहमंत्री अमित शाह जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के, वो विपक्ष को एक आतंकवादी बता दें यानी कसाब, अजमल आमिर कसाब बता दें, क्या ऐसे दौर में राहुल गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन की या भारत जोड़ो यात्रा की कोई मायने है? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। श्री पेरम्बदूर की यह तस्वीर है। राहुल गांधी अपने स्वर्गीय शहीद पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वो देश को बतला रहे हैं कि इसी नफरत, इसी आतंक, इसी दोहराव के चलते मैंने अपने पिता को गवा दिया था, और इसी नफरत और इसी आतंक और इसी दोहराव के लिए मैं अपने देश को नहीं गवा सकता। जो ऊंची ऊंची बातें यहां पर राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या इसके कोई मायने हैं? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा क्या, और फिर मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा। आई लॉस्ट माई फादर टू द पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड डिविजन। आई विल नॉट लूज माई बिलव्ड कंट्री टू इट टू। लव विल कॉन्कर हेट, होप विल डिफीट फियर, टूगेदर वी विल ओवरकम। अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि मैंने अपने पिता को नफरत की राजनीति और विभाजन के चलते गंवा दिया था, मैं अपने देश को भी इसके चलते गंवा नहीं सकता हूं। वो आगे ये कहते हैं कि नफरत पर मोहब्बत जीत हासिल करेगी। वो ये भी कहते हैं कि डर के ऊपर उम्मीद जो है वो ताकतवर साबित होगी, और वो उम्मीद जतला रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बतलाया, 3,500 किलोमीटर की यात्रा, और उनकी यह यात्रा 30 जनवरी को खत्म होने वाली है। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक चलेगी। और जिस वक्त राहुल गांधी यह यात्रा कर रहे हैं, दो खबरें आ रही हैं। इनकम टैक्स अहमदाबाद और कई स्थानों पर जोरदार रेड मार रही है। उस रेड का मकसद यह है कि कांग्रेस को जितनी पॉलिटिकल फंडिंग मिलती है उस पर काबू पाया जाए, यानी कि गुजरात चुनावों से पहले कांग्रेस के हाथ पांव काट दिए जाएं, उन्हें किसी तरह की जो पॉलिटिकल फंडिंग मिलती है उस पर काबू पाया जाए। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो आंदोलन ऐसे दौर में शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन ऐसे दौर में शुरू कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी को सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, गुप्त चुनावी चंदे के जरिए करोड़ों करोड़ मिलते हैं, और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, मगर विपक्ष पर निशाना साधा जाता है। आज ही सीबीआई ने भी रेड मारी, कांग्रेस पर नहीं, ममता बनर्जी के खासम खास पर। मलॉय पर जो रेड मारी गई वो आसनसोल में मारी गई, और ये रेड सीबीआई मार रही है, एक नहीं, दो नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर। इन चेहरों पर गौर कीजिएगा, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राउत, सत्येंद्र जैन, ये तमाम चेहरे इस वक्त जेल में हैं। खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दबिश डाली थी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि सरकार की जांच एजेंसी ने। राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन एक ऐसे दौर में शुरू कर रहे हैं। आज मेरा सवाल राहुल गांधी से है, राहुल गांधी हम उस दौर में हैं जहां राजनीतिक दलों को फायदा इस बात का मिलता है जब वो लोगों को बांट देते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी हर बार चुनावों से पहले हिंदू मुस्लिम का राग अलापती है और उनकी मदद मीडिया करती है। जी हां, मीडिया का काम है कि नफरत पर काबू पाना, नफरत के की राजनीति का को एक्सपोज करना, मगर मीडिया मदद करती है। प्राइम टाइम में इनके तमाम जो पालतू एंकर्स हैं वो जहर बोते रहते हैं, और इस जहर का असर ये होता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। आज की तारीख में
मेरे जैसे कुछ हिंदू इस बात को लेकर खुश हैं कि मोदी जी के आने के बाद और आदित्यनाथ जी के आने के बाद मुस्लिम पर काबू पा लिया गया है। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पिछले 8 सालों से और उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 8 सालों में हिंदू को तो अपनी अस्मिता को लेकर, अपने ग्रंथों को लेकर, अपने विश्वास को लेकर गौरवान्वित होना चाहिए था ना, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए था, मगर हिंदुओं को डराया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू को बार बार यह बतलाया जा रहा है कि उस पर अत्याचार हो रहा है। अरे अगर अत्याचार हो रहा है तो पिछले 8 सालों से सरकार में कौन है और इसका मकसद क्या है? हिंदू को डराना, उसको भड़काने का मकसद यह है कि उसके दिमाग में यह बात घर कर जाए कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में है, हिंदू सुरक्षित है, और जैसे ही वो सत्ता से गए, ऐसे दौर में राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मेरा सीधा सवाल, जब एजेंसी के जरिए पार्टियों को खत्म किया जा रहा है, राजनीतिक दलों को खत्म किया जा रहा है, जब नफरत के सहारे इस देश के ताने बाने को बर्बाद किया जा रहा है, तो राहुल गांधी आपको ऐसा क्यों लगता है जो अभियान आपने शुरू किया है वो सफल साबित होगा? और मैंने बात मीडिया की, कांग्रेस से बेहतर कौन इस बात को जान सकता है? अभी रामलीला मैदान में कांग्रेस ने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ एक रैली की। आपको याद होगा कि उस रैली में राहुल गांधी के एक बयान को आधे अधूरे ढंग से न सिर्फ बीजेपी ने पेश किया बल्कि इनके गोदी मीडिया पत्रकारों ने भी उसको वायरल कर दिया गया, जबकि हकीकत कुछ और थी। राहुल के मुंह से गलती से उन्होंने आटे को लीटर में तोल दिया था, मगर उसको बाद में तुरंत सुधार भी कर दिया था, मगर मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर उनके आधे अधूरे बयान को वायरल किया। मकसद क्या है? मकसद यह है कि राहुल गांधी को एक गैर जरूरी, एक गैर संजीदा, नॉन सीरियस व्यक्ति के तौर पर देश की जनता के सामने पेश किया जाए। तो मेरा फिर सवाल राहुल गांधी से कि राहुल जी, आपको क्या लगता है जब यह प्रचार आपके खिलाफ चल रहा हो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ताकत हो, मीडिया पूरी तरह से नतमस्तक हो, तो क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो अभियान कामयाब होगा? राहुल गांधी के सामने चुनौती बहुत गंभीर है दोस्तों, और वो चुनौती कई स्तरों पर है। पहला, कांग्रेस कई जगहों पर बिखर रही है, जहां पर वो सत्ता में भी आ जाती है वहां से भी भारतीय जनता पार्टी उससे सत्ता हासिल कर लेती है, और इसका दोष सिर्फ बीजेपी के सामदाम दंड भेद पर नहीं है, इसका दोष कहीं ना कहीं कांग्रेस के लालची विधायकों का भी है, उनके अंदर पनप रही असुरक्षा भी है, और वो राहुल गांधी जो ये भारत जोड़ो आंदोलन या भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो भी बहुत ही सुविधावादी अंदाज में कांग्रेस के रोजमर्रा की कार्रवाई में दखल देते हैं। मसलन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल चल सकती थी, वहां पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में चल रहा था, क्या राहुल गांधी ने कभी भी इन लोगों को सामने बिठाकर उनसे बात की? नहीं, बात नहीं की। नतीजा, हाथ से सरकार चली गई। इसी तरह से कई राज्यों में राहुल गांधी को दखल देना चाहिए था, दो पक्षों में जो टकराव चल रहा था उन्हें संबोधित करना चाहिए था, मगर राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। नतीजा आपके सामने है। अब गुजरात के अंदर राहुल गांधी ने गुजरात की जनता को राहुल नू 8 वचन पेश किया है, यानी कि राहुल गांधी के 8 वचन, और यह 8 वचन आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं दोस्तों, मगर गुजरात के चुनाव में सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। कांग्रेस ने देरी तो नहीं कर दी, खासकर इस बात के मद्देनजर कि उत्तर प्रदेश चुनावों में जीत हासिल करने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रोड शो शुरू कर दिए थे, अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में बहुत एक्टिव हैं,
तो मैं राहुल गांधी से फिर सवाल पूछना चाहता हूं कि आप भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हैं, मगर क्या ये भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस बिखर रही है कई राज्यों में, हर राज्य में, चाहे आप राजस्थान देखें, छत्तीसगढ़ देखें, और मैं दो राज्यों की क्यों बात कर रहा हूं, इन दो राज्यों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों जगह पर कांग्रेस की सत्ता है। राजस्थान के अंदर गहलोत बनाम सचिन पायलट चल रहा है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल वर्सेस उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उनके बीच में जंग चल रही है। हर जगह पर यही, पंजाब में जब उनकी सत्ता थी तो नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं मुख्यमंत्री के लिए मुश्किल पैदा किए हुए थे। तो कहने का अर्थ यह है कि लगभग हर राज्य में इसी तरह से कांग्रेस दो फाड़ है। ऐसे में मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत जोड़ो आंदोलन कांग्रेस को भी जोड़ पाएगा? क्योंकि भारत जोड़ो आंदोलन का मकसद क्या है? यकीनन इसके जरिए राहुल गांधी चाहेंगे कि सत्ता के करीब कांग्रेस पहुंचे। मैं जानता हूं राहुल गांधी देश को भी जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर इस देश को किसी चीज की जरूरत है तो हिंदुओं और मुसलमानों के तर्ज पर, अगड़े और पिछड़े के तर्ज पर हम जो बटे हुए हैं, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, आप अपने परिवार के अंदर देखिए, पिता और पुत्र की अगर राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, ऐसे ढेरों में आपको मिसालें दे सकता हूं। आपको जान के ताजुब होगा कि मेरे एक पत्रकार मित्र देश छोड़कर जाके बाहर पढ़ाई करने वाले हैं और बाहर ही बसना चाहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भी कोई वो लेख करते थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना होती थी तो उनके अपने पिता उन्हें गाली देने लगते थे और कहते थे आएगा तो मोदी। यही नहीं, ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां व्हाट्सएप ग्रुप्स टूट गए हैं। क्यों? क्योंकि एक ही परिवार के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के आलोचक हैं, मगर भक्तों को ये बात पसंद नहीं आती, और आपके सामने मिसाल है। तो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो जो आंदोलन है इस दौर में कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये कि क्या यह भारत जोड़ो आंदोलन कामयाब हो पाएगा? मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों, हमें राहुल गांधी का इंतजार नहीं करना है। भारत जोड़ो आंदोलन या भारत जोड़ो यात्रा एक गैर राजनीतिक यात्रा होनी चाहिए, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है इस देश की जनता को अलग अलग जगहों से यह यात्रा अपने स्तर पर करनी चाहिए। वो यात्रा आपकी गली से आपके पड़ोसी की गली तक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक यह यात्रा करें, नहीं, इस तरह की यात्राएं जो हैं आप कर सकते हैं ना। हम में से कई लोग स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नहीं थे, अधिकतर लोग उस वक्त नहीं थे, मगर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रभात फेरियां निकाली जाती थी, वैष्णव जंतो तेने कहिए जे का जो नारा होता था, का जो भजन होता था वो फिजाओं में गूंजता था, सांप्रदायिक सौहार्द की अपील की जाती थी। जब 1947 में देश आजादी का जश्न मना रहा था तब उस जश्न में यह आदमी शरीक नहीं था, महात्मा गांधी। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक तरफ देश को आजादी मिल रही थी और दूसरी तरफ देश बट भी रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच, और कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। महात्मा गांधी इस जश्न से दूर देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और उसके चलते उनकी खासी आलोचना भी हो रही थी। और 1948 में फिर एक नाथुराम गोडसे ने क्या किया हम सब जानते हैं। देश को एक करने की कीमत महात्मा गांधी ने चुकाई। आज बहुत जरूरी है कि उस इतिहास को देखते हुए हम अपने अंदर बंटवारे ना पैदा करें, क्योंकि देखिए अगर देश के अंदर अराजकता बनी रहेगी, अगर देश के अंदर अशांति बनी रहेगी तो एक सीधा सा सवाल है, आप और हम अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, रोजमर्रा की जिंदगी सुचारू ढंग से कैसे चलेगी अगर देश के अंदर अराजक माहौल बना रहे। इसलिए हमें किसी राहुल गांधी की जरूरत नहीं है भारत जोड़ने के लिए। राहुल गांधी एक राजनीतिक यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, मगर भारत जोड़ने के जज्बे से आपको और हमको बतौर नागरिक जुड़ना होगा,
और पिछले 3 साल से मैं जो न्यूज क्लिक पर आपके सामने शो कर रहा हूं, बार बार आपसे जो सांप्रदायिक अपील कर रहा हूं, मेरी यात्रा तो पिछले 3 सालों से चली आ रही है इस मंच पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कई लोग मेरी इस यात्रा में मेरे साथ होंगे। इसकी कीमत भी मैंने चुकाई है, इसकी कीमत भी न्यूज क्लिक ने चुकाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से जांच एजेंसीज के जरिए हम पर दबाव बनाया गया, किस तरह से मुझे और मेरे परिवार को निशाने पर लिया गया, और मेरे जानकार इस बात को बखूबी जानते हैं। मगर मेरे जहन में 2 बातें थी। पहली बात, पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता जिसमें सत्ता से सवाल किया जाता है, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी। और दूसरी बात, क्या मैं अपने बच्चों को ऐसा देश छोड़कर जाना चाहूंगा जहां हिंदू मुसलमान के नाम पर, दोस्त दोस्त के नाम पर एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार नहीं है। 2014 से पहले भी आप और हम भाजपा और कांग्रेस समर्थक हुआ करते थे, मगर फिर भी दोस्त थे। आज अगर आप भाजपा के आलोचक हैं तो आपको देशद्रोही बता दिया जाता है। यह कैसी सियासत है, यह कैसी राजनीति है? इसलिए भारत जोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ एक राहुल गांधी की नहीं है, इसे जोड़ने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है, और हमें अपने स्तर पर, अपने मन पर भारत को जोड़ने की बात करनी होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।